रघु राजन और रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब पर दबाव आया तो रिजाइन देके गए। उनसे पूछिए कि नोटबंदी जब मोदी जी को बोले कि नहीं करना है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, तो उन्होंने तानाशाह 36 इंच का करके नोटबंदी किया, सारा नोट 500 के नदी में बहा दिया गया। उनसे पूछिए कि ये क्या हो रहा है। आलोक वर्मा जी सीबीआई के डायरेक्टर पर जब दबाव आया कि इसको गिरफ्तार करना, उन्होंने रिजाइन लिख के चला गया। उनसे पूछिए ऐसा क्यों हुआ। भाई वो तो चले गए, वो तो चले गए, तो और कोई है तो पूछिए ना, हम और सवाल करेंगे। हाँ सवाल और करेंगे। दूसरी बात, आज के टाइम में शर्मा जी सुनिएगा, आज के टाइम में आज संध्या टाइम के पेपर में आया है केजरीवाल को 25 विधायक को 21 करोड़ रुपया दे के खरीदने का प्लान बन रहा है, सरकार गिराने की प्लान बन रही है। ये क्या इनका यही धंधा है, बॉम्बे में गिरा दे, गोवा में गिरा दे। इन्होंने सरकार गिराना शुरू किया गोवा से, आपको भी याद होगा है ना, कहाँ से शुरू हुआ था सरकार, गोवा से। यही काम है। बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर डिबेट नहीं करेंगे। 4 दिन पहले सेशन बंद कर दिया, अगला सेशन में ठंडे में, और कहाँ चले गए, विदेश भाग गए। विपक्षकारी है, डिबेट करो, कुछ नहीं हुआ। कारण है कि उनको डर लगता है कि सरकारी नौकरी लेकर अमीर हो जाएंगे तो बड़े आदमियों को सेवा नहीं करेंगे। अच्छा, और सुन लीजिए एक इम्पोर्टेंट बात, मैं बता रहा हूँ, मैं भी राष्ट्रपति भवन से रिटायर हूँ। अच्छा, ठेकेदारी प्रथा क्यों किया गया, आप कुआं जानते हैं, कुआं, कुएं के अंदर एक मेढक होता है, उसकी दुनिया उसी में होती है। और इसलिए किया गया कि 15,000 देंगे तो उसका बच्चा हाई फाई ना पढ़ेगा ना अच्छे पोस्ट पर जाएगा। इसलिए भाई साहब सारा षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। अब अगर दम है 36 इंच के तो बैलेट पेपर से करा के देख ले, पता लग जाए दूध के दूध और पानी के पानी किसका जमानत जब्त होता है। मोदी जी कह रहे कि हमारी गारंटी की गाड़ी चल रही है, गारंटी नहीं है, इट इज नॉट गारंटी, टाइम इज ग्रेट, मैन इज नॉट ग्रेट, समय महान होता है। आपको एक ताजा खबर दिखा देता हूँ, राजस्थान के एक मंत्री जी बना दिया गया, बिना चुनाव किए उनको मंत्री बना दिया राजस्थान में, और जब चुनाव हुआ तो 12,000 वोटों से हार गए, वो नीचे आ गए। ऐसा क्यों हुआ, पहले मंत्री कौन सा संविधान में है कि पहले मंत्री बना दो चुनाव होने से पहले। ईवीएम में काउंटिंग का टाइम नहीं मिला था इसलिए ऐसा हुआ था। 5 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 8 तारीख को रिजल्ट आ गया, 3 दिन मात्र थे, नहीं मिला टाइम। ये बात मैंने पहले भी उठाई थी, सबको मालूम है इस बारे में, जहाँ टाइम मिलता है वहाँ जीत जाते हैं, जहाँ टाइम नहीं मिलता वहीं हार। रिक्शा वाला कहता है आई एम पुअर, एवरीडे वर्किंग एवरीडे फूटिंग, मैं गरीब हूँ, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। सीधे कहता अंग्रेज से, प्लीज आई एम पुअर, एवरीडे वर्किंग एवरीडे पुअर, एवरीडे वर्किंग एवरीडे फूटिंग, मैं रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। मगर एक बात ध्यान दीजिए, एक तानाशाही राज ज्यादा दिन नहीं चलता, ऊपर वाले के डंगा आज भर से या कल भर से बरसना है। कारण है कि सर के ऊपर से पानी जा रहा है। 2019 में एनटीपीसी के रेलवे के भर्ती हुई, उसकी ज्वाइनिंग ग्रुप डी के अभी तक नहीं हुई। 12-12 घंटा गार्ड और ड्राइवर रेल चला के रोक दिए थे गाजियाबाद के आगे, तब जाके लोको पायलट और गार्ड गए तो ट्रेन के चलाएगा, झपकी आ रहा था ड्राइवर को। अब बताइए ये कहाँ है, बेरोजगारी महंगाई पर ध्यान है, किसान कह रहे हैं रोजगार के लिए बहुत कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां दे। अगर किसान भाई नहीं झुकाते एमएसपी पे तो 90 रुपया किलो आटा बिक जाता है इसी हिंदुस्तान में मैडम, 90 रुपया खा नहीं पाते। और जिस दिन बीजेपी दिल्ली में आ जाएगी, बिजली बिल नहीं दे पाएंगे यहाँ के लोग, न पानी बिल दे पाएंगे। और मानिए ना मानिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली बिल है, ट्रांसफर किराया है, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे, जाइए। बिल्कुल सही बात बोली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम से वोटिंग कराओ, लेकिन बैलेट पेपर की पर्ची निकलनी चाहिए, मेरा वोट किसको गया, बात खत्म, 100 की 100 जोड़े उसमें निकल जाएगी। देखिए चुनाव आयोग साफ साफ कह दिया है कि हमको पूरा भरोसा है। नहीं चुनाव देखो, मुझे अधिकार है ना जानने का, मैंने किसको वोट दिया, मुझे 2014 के इलेक्शन में पता था मैंने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी की पर्ची निकली थी, मुझे पता है। 2019 का चुनाव मुझे ये नहीं पता चला मेरा वोट किसको गया, मैंने तो बटन बीजेपी का दबाया, हो सकता है मेरा वोट कांग्रेस को गया हो। पर वो कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी है, उसमें हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, पर हेरा फेरी नहीं। सुनिए हमारे, मैं इंजीनियर हूँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में हमारा एक सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग का, उसमें प्रोग्रामिंग सेट होता है,
जो प्रोग्रामिंग में जीरो या वन, मशीन हमेशा दो लैंग्वेज समझती है, जीरो या वन, ठीक है, जीरो वन की भाषा समझती है, और कुछ नहीं समझती कैलकुलेशन में। अब उसमें क्या है कि इन्होंने सेट किया होता प्रोग्रामिंग, अगर आप सीधा बटन दबाएंगे तो नहीं जाएगा, वो प्रोग्रामिंग सेट होती है कि ऑटोमेटिक हर तीसरा वोट या हर पांचवा वोट या हर दसवां वोट वो ऑटोमेटिक अगर दबाओगे कांग्रेस का तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अगर बीजेपी सही है, ईवीएम में कोई धांधली नहीं हुई, ये तो खुद एक परिवार बोल रहा है, उसने इलेक्शन लड़ा यूपी से, एक ने महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ा, भैया मेरे परिवार के 35 वोट थे और मेरा जब मैंने वोटिंग निकलवाई तो मेरे 5 वोट आए, भले परिवार के वोट भी खा गए। अच्छा, तो सवाल ये है, मतलब बीजेपी वैसे जीत जाए, जितने भी चाहिए वो बात नहीं है, लेकिन जो हमारा मन का बहम ना वोटर का, वो तो दूर होना चाहिए ना। अच्छा। सवाल ये है, कोई किसी मुद्दे पे बात मत करो, राम मंदिर के पे, फलाने पे, विकास पे, दूध पे, सारा इसमें पानी का पानी हो जाएगा। जनता अगर सड़क पे एक दिन भी निकलगी ना, सब अपना। क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसकी सरकार आने है? सरकार तो वही कांग्रेस की गठबंधन के साथ आने की संभावना है। अच्छा, बिल्कुल लग रहा है आपको गठबंधन? जी बिल्कुल, साफ साफ कह रही है इस बार 400 पार। भाजपा तो हर चीज 2014 से बोलती भी आ रही है, कर क्या रही है वो, कुछ काम कर रही है कुछ नहीं कर रही, वही अंग्रेजों वाला शासन कर रहे हैं, तोड़ो फूट डालो और अपना शासन करो, उस तरीके का वो शासन चला रखे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अपनी वो वोट बैंक बना रखा कि हिंदुओं के पक्षों में जाकर के मुसलमानों से वोट के कुछ फायदा पड़ता नहीं है, तो हिंदुओं को डरा करके उनकी तरफ से वोट ले गए, अपने राजनीति करके जीत रहे हैं। साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, पहले भी हुआ है, मनमोहन सिंह जैसे देश के प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुए कोई, वो अर्थशास्त्री थे तो उनके मुकाबले का काम कर पाएंगे, लेकिन क्या है वो शांति के साथ काम करते थे, ये क्या दिखावा कर करके कर रहे हैं। अब क्या छोटी सी चीज को इतना बड़ा मुद्दा दिखा देते हैं कि लोग बाग सोचते हैं इससे बड़ा वो कोई है ही नहीं हमारे देश के लिए बचाने के लिए। क्या कांग्रेस आज की पार्टी थोड़ी है? सन 1942-43 में उन्होंने बनाई थी उनके, तो बहुत पुरानी पार्टी है कि अभी उसके अंदर टूट फूट चलने की वजह से वो गिर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी उसे पूरी पूरी जोड़ के कोशिश कर रहा है उठाने की, देश के अंदर दोबारा अपना कांग्रेस का वर्चस्व लाने की कोशिश में कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर करके अपने खड़े हैं। आप देखो 2024 में क्या होता है। पर वो तो कह रहे हैं कि हम अब खुद गरीबों के पास जाते हैं, गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे महिलाओं का हो, महिलाओं के भी हित के बारे में सोचते हैं। पहले की जो सरकार थी उन तक गरीबों को पहुंचना पड़ता था, महिलाओं को अपनी बात रखनी पड़ती थी, पर हम उनके हित में सोच रहे हैं। क्या मैम, गरीबों को क्या है, पहले इतनी परेशानी होती नहीं थी गरीबों को, तो जाएंगे क्या गरीब? अब परेशानी ज्यादा है गरीबों को, महंगाई इतनी है तो खुद ही जाएंगे वो तो। अरे भाई, हम किसी पे जुर्म कर रहे हैं तो वो तो आएगा ना हमारे पास, और जो शांति से हर चीज की सुविधा बिना बोले उनको गरीबों को सुविधा दिए जा रहे थे तो छुपती जनता, जो मनमोहन थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें कोई लोग उनका ज्यादातर नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि किसी चीज की परेशानी नहीं थी, ना महंगाई की परेशानी, हर चीज नॉर्मल चल रही थी। जैसे ही मोदी जी आ गए, बच्चे को पता लग गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन के टाइम में नहीं पता था। इतना बुरा हाल हुआ है गरीबों का, इसलिए तो पता लग गया कि हाँ भाई, हमारे ऊपर तानाशाह सरकार बैठी है जो हमारे साथ जुर्म करती रहेगी, तो हमें जब ही तो जानेंगे उसे इतना जुर्म करा, जब ही तो जाना है मोदी को। मनमोहन को क्यों नहीं जानते थे बच्चा? क्योंकि वो शांति से देश के अंदर काम करवाते रहते थे। विकास पूरा हुआ है, GDP आप देख सकते हो पहले कितनी थी और अब क्या है। मतलब कह रहे दिखावा अब ज्यादा होता है, काम पहले भी होता था। बताओ भाई, महंगाई है, मैं ड्राइवर हूँ, अब मुझ पर नियम लागू कर दिया मैडम इन्होंने, अब गाड़ी चलाऊंगा, अगर 7 लाख रुपए मुझ पर हो ही तो मैं गाड़ी क्यों चलाऊंगा? 7 लाख में कुछ बिजनेस करूंगा जाके? 10 साल की अगर मेरी बेटी है, 10 साल बाद अगर मैं जेल से बाहर निकलूंगा, 20 साल की होगी तो उसके शादी के लिए कहां से लाऊंगा मैडम? और दूसरी चीज, ये बारम्बार ये कहते हैं कि सरकार बढ़िया नियम कर रही है, बढ़िया टोल बढ़ा दिए इन्होंने, रोड अगर अच्छे कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा? ये हमसे इतना टोल लेते हैं, अगर 5% जो टोल बढ़ा रहे थे वो 10% बढ़ाए, जो 100 रुपए का टोल था वो 120 रुपए का कर दिया इन लोगों ने, और कोई काम नहीं कर रहे, केवल काम क्या, पैसा हमसे लूट रहे हैं, तो विकास तो करेंगे ही अपने आप। अच्छा, जनता का पैसा लूट रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं मैडम। अगर इतना पैसा, अगर टोल से पैसा आता है सर मैडम पूरे देश में, इतना अगर पैसा अगर पूरी तरीके से लगा दिया जाए तो टोल का ही पैसा पूरे रोडों पर दिखाई देगा कहाँ रोड बनना है। अब मैडम चले जाओ यूपी में, मैं यूपी से हूँ,
मैडम वहाँ पे कहते हैं लोग कि बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया, क्या कर दिया। सपा के शासनकाल में एम्बुलेंस चलाई गई महिलाओं के लिए, सपा के शासनकाल में यूपी 100 नंबर पुलिस वाली दिया गया था, सपा के शासनकाल में यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया था, और इन्होंने एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उस पर चले जाओ और यमुना एक्सप्रेस उस पर चले जाना अखिलेश भैया वाले पे, दोनों में अंतर है। अब ये क्या है, ये अपना केवल बनाते हैं और बनाया थोड़ा है, नाम बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि पब्लिसिटी चैनल सब उन्हीं के, चैनल भी उन्हीं के मैडम, कोई फालतू में ही इंटरव्यू चल रहा है वो होगा उन्हीं का, जो वो बोलेंगे वही होगा, दिखाते वही है जो वो करते हैं। और कुछ दुनिया ना तो पहले रुकी थी ना अब रुक रही है, पहले क्या है विकास पहले भी पूरा हो रहा था मैम, लेकिन वो लोग दिखा नहीं रहे थे, ठीक है। अब क्या है हर चीज़ जो है दिखावे की हो गई है, क्या मैम पहले बच्चे थे वो बड़े हुए, किसी का विकास नहीं रुका है, देश के अंदर चलता रहा है, लेकिन ये क्या है अपना आपको सोप ज्यादा कर करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। जी बताइए मोदी जी तो क्या, देखिए उनके पक्ष के लोग, सरकार पक्ष के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में मोदी जी का दंगा बज रहा है, उनका काम के बारे में बातें हो रही, क्या लगता है? मैम वो तो सिर्फ कहने वाली बात है, हमने सुनी थोड़ी है मैम, ना हमने देखा ना सुना, ये तो अपना आप अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं, वो ये अपनी तारीफ खुद करने वाली बात हो गई ना मैम। अच्छा, बिल्कुल जनता से पूछो ना, गरीबों से पूछो जी। हाँ। तो खुद कह रहे हैं कि हम गरीबों के घर जाते हैं, हमें उनसे वो मिलता है, बोलते हैं वो कि हम अच्छा काम, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 10-20 लाख को कुछ दे दिया गरीबों को, उसे ही गा गा के दिखाते रहेंगे सुबह से शाम तक, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, अब बताओ। हाँ। क्या लगता है महंगाई है कि नहीं, कि कम हुई है? नहीं महंगाई तो है। और रोजगार के लिए लग रहे की सरकार कुछ कर रही है? नहीं कर रही कुछ। महंगाई है, रोजगार है नहीं तो फिर कहाँ से आदमी खाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है रोजगार के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं? रोजगार के लिए भी हो रहा है, तरक्की के लिए भी हो रहा है, सब चीज हो रही है, लेकिन जो है गरीब जो है ना, चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं, गरीबों को साथ जो है अच्छा नहीं मिल पा रहा कुछ, इसी वजह से इस सरकार का कुछ टिकना मुश्किल है मैम। बिल्कुल रुकना, मैं बताना चाहूंगा रोजगार के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, बताइए क्या हो रहा, कोई बताइए किसी विभाग में कौन सी वैकेंसी निकाली है उन्होंने, बताइए, जो हमारे फौजी भाई होते थे उनको संविदा पर कर दिया उन्होंने, इससे और क्या बुरी स्थिति लेंगे देश की आप। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आज 10 लाख बच्चे बीएड वाले हैं जो बेकार फिर रहे हैं, क्या करोगे आप? पहले बीएड के बाद नौकरी लग जाती थी, फिर टेट कर दिया, टेट बच्चों ने करा, फिर सुपर टेट कर दिया, क्या करेगा बच्चा? उसमें भी क्या कहते हैं, फिर हाईकोर्ट जाओ, उसके बाद अगर हाईकोर्ट से हो गया तो हो गया, वरना नहीं हुआ, कहाँ बेरोजगारी खत्म हो रही है बताइए? भाजपा सरकार कहती है कि अब कोई बेरोजगारी नहीं, हम रोजगार के लिए बहुत काम कर, रोजगार दिया किसी रोजगार का नाम तो बताए वो। हाँ। ये रोजगार दिया कि थाला लेकर 5 किलो राशन लेने चले जाए, ये रोजगार है? हाँ। क्या रोजगार बताए? हाँ। वो तो कह रहे पकौड़े बेचना भी रोजगार है। पकौड़े ये पढ़ो लिखो पकौड़े बेचो। हाँ। गरीब आदमी पढ़ाएगा क्यों? क्यों कर्ज लेके बच्चों को पढ़ाएगा? वो तो रिक्शा चलवाएगा, मजदूरी करा, पल्लेदारी कराएगा, क्यों पढ़वाएगा वो? पकौड़े बेचते हैं बताइए, पढ़ाएगा आदमी को? पकौड़े बेचे तो पढ़ाएगा क्यों? पकौड़े बेचेंगे, पकौड़े तो रिक्शे पे पैसे बेच सकता आदमी, ठेला लगा के पैसे बेच सकता है, पढ़ाने का क्या गुनाह फिर उसका बताइए आप? बीजेपी सरकार जवाब देश का क्या लगता है? पढ़ लिख के आदमी पकौड़े बेचे? वो पकौड़े वाली बात नहीं, आपने जो कहा था रोजगार, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे इनने एसएससी में अभी वैकेंसी निकाली थी दिल्ली पुलिस की, उसमें पद थे 7,500, पद तो भरे नहीं, 650 वो खाली रह गए, बाकी इन्होंने जो अभी लिस्ट दी है, फाइनल रिजल्ट जो दिया है, उसमें करीब 800 से 900 बंदे ऐसे हैं जो मेडिकली अनफिट है, अगर इनने मेडिकल पहले करवाया था तो मेडिकल अनफिट बंदों का नाम लिस्ट में क्यों आना था? उनकी जगह उनको दिया जाता जो बाकी बचे हुए थे, एक ये नहीं हुआ है, और उसके बाद मेडिकल अनफिट में जो माइनर, दिल्ली पुलिस का मेडिकल अलग लेवल का होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग लेवल का होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से मेडिकल करवाया गया है, उसमें काफ़ी सारे बंदे अनफिट कर दिए गए हैं, अब उनका क्या मैं हूँ? क्राइटेरिया तो अलग अलग है, इनका दिल्ली पुलिस के हिसाब से होना चाहिए था, वो चीज़ उसके लिए आया था। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि सरकारी नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकल रही है, परीक्षा देर में होती निकल रही है, पर उनको भरा ऐसे जा रहा है, 6,300 करीब कुछ बताई जा रही है कि भर गई है वैकेंसी, 6,800 करीब, बाकी वो ऐसे भरी गई है, 1,000 बंदे तो वो है जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो वो वापस वैकेंट रह गई सीटें, इनमें भी कुछ मतलब जैसे बहुत सारे ग्रुप डी वाले हैं, कोई कहीं से आ रहा है, तो उसमें भी किसी के पास अच्छी जॉब है वो भी ज्वाइन नहीं करेगा, तो ऐसे अगर इनने 7,500 निकाली थी, भरी कितनी है? मुश्किल से 5,500, 2,000 तो वैकेंट है, उनका भी तो कुछ होना चाहिए। अब अग्निवीर आई है, अग्निवीर में मैम अगर आपको पता है 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें करीब 68,000 बंदे थे ऑल ओवर इंडिया से, उनकी रिटर्न एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी। अगर अग्निवीर आई कोई दिक्कत नहीं है, आप लाओ नई नई नीतियाँ
कराओ, नए नए एक्सपेरिमेंट करो, डिफेंस के साथ करो हर चीज़। बाकी वो जो बंदे थे फिजिकल मेडिकल पास करके गए थे, उनका रिटर्न एग्जाम तो होने का था, चाहे उनको अग्निवीर से एंटर करवाते आप।